ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर्स, मेरे भाई ख्वाजा सलमान रफीक साहब, मेरे भाई ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अजमत, आईडैब खसूसन शामिर कहाँ बैठा हुआ है, ऑनरेबल कैबिनेट मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हम सब मिलकर जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि आज हमारा एक ऐसा ख्वाब पूरा होने जा रहा है जो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी और मुझसे ज़्यादा नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी। आज वो यहाँ होते तो उनसे ज़्यादा शायद खुश कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये हकूमत का, किसी भी हकूमत का, पब्लिक सेक्टर का पहला कैंसर हॉस्पिटल, जहाँ पे इंशाअल्लाह ताला किसी मरीज़ को इनकार नहीं होगा ये देखे बगैर कि वो स्टेज 1 का पेशेंट है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। सबको इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि इसके अंदर हम कैटर करें, और ये महज एक इमारत का संगे बुनियाद नहीं है, ये आज लाखों जिंदगियों का दिया है जो अल्लाह ताला के फजल व करम से हम आज जलाने जा रहे हैं। तो कोई ऐसा मर्ज़ लाहक ना हो जिससे उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। लेकिन ये हॉस्पिटल जो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल है, वो सिर्फ पंजाब के आवाम के लिए नहीं है, बल्कि मैं आज अलल ऐलान कहती हूँ कि ये पंजाब के आवाम के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए है, सिंध के आवाम के लिए, बलूचिस्तान के आवाम के लिए, आज़ाद कश्मीर के आवाम के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए, और इसीलिए हम इसको तकरीबन 920 बेड्स का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है कि बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो। तो पंजाब ने अपने जो दरवाज़े हैं, अपने दिल के दरवाज़े तमाम दूसरे सूबों के लिए खोले हुए हैं, अपने अस्पतालों के दरवाज़े जो है, अपने रोज़गार के, अपने वसाइल के दरवाज़े दूसरे सूबों के लिए खोले हैं। तो ये सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है, पूरे पाकिस्तान के आवाम के लिए है, उनकी सहूलत के लिए है। और आप जानते हैं कि जो कैंसर का मर्ज़ है, मेरी वालदा, मेरी बहुत प्यारी वालदा थी, मेरी बड़ी उनके साथ कुर्बत थी, वो इस मर्ज़ का शिकार हुई और जानवर नहीं हो सकी, अल्लाह ताला के पास चली गई। तो ये एक इंतहाई महंगा इलाज है जिसकी जो एक्सपर्टीज़ है वो बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर, और इससे, इसके इलाज के लिए लोग अपनी तमाम तर जो जमा पूंजी है वो लुटा देते हैं। अब इसके जो फिर भी इलाज नहीं हो पाता, इसके जो टेस्ट हैं, तशखीसी टेस्ट हैं, उससे लेके कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, ये तमाम बहुत एक्सपेंसिव, बहुत कॉस्टली इलाज हैं, जो कि एक मुश्किल से किसी अमीर आदमी के भी बस की बात नहीं है, मतवसत तबके के भी बस की बात नहीं है, गरीब आदमी कहाँ से इसका इलाज कराएगा। तो मैं अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको ये फ़िक्र थी कि ये इतना महंगा मंसूबा है, ये तकरीबन 53-54 बिलियन रुपीज़ का, ये 55 अरब के करीब ये मंसूबा है। तो उनको ये था कि ये बन तो जाएगा हॉस्पिटल, लेकिन इसको सस्टेन कैसे करेंगे, ये इलाज बहुत महंगा है। तो मैंने एक ही बात कह के उनको कन्विंस किया, मैंने कहा जो हुकूमत के पास पैसा होता है ये किसके लिए, अगर उस सूबे की आवाम जो है वो कैंसर से मर रही है और उनके पास कोई सरकारी अस्पताल नहीं है तो ये पैसा किसी काम का नहीं है। और जो फलाही रियासत है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? फलाही रियासत एक माँ की तरह होती है। उस माँ के किसी बच्चे को कोई तकलीफ़ हो जाए तो वो माँ ये नहीं देखती कि पैसा ज़्यादा लगेगा या कम, उसके पास जो भी होता है वो बेच के भी सब कुछ करके भी वो पैसा जो है वो जमा करती है, अपने बच्चे पे लगाती है। तो मैंने ये कह के उनको मनाया और बड़ी अच्छी बात है कि वो मान गए। नवाज़ शरीफ साहब आते जाते, क्योंकि ये रायवन में हमारे घर के रास्ते में ये जगह आती है, मेरा रोज़ तकरीबन यहाँ से गुज़र होता है क्योंकि ये मेरे ऑफिस के जाने और वापसी का रास्ता है। तो वो भी इधर देखते जाते हैं, उनकी नज़र भी, उनका दिल भी, उनका दिमाग भी इस तरफ होता है। मैं भी जब गुज़रती हूँ, जितनी बार गुज़रती हूँ मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज अल्लाह ताला ने वो दिन दिखाया। और बहुत लोग ये सवाल करते हैं जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक ही नहीं दी कि वो आवाम की खिदमत कर सकें, कुर्सियाँ ओहदे सब पे बराजमान है लेकिन आवाम की खिदमत की तौफीक नहीं हुई। ये सवाल पूछते हैं कि इसका नाम नवाज शरीफ के नाम पे क्यों रखा? पैसा तो आवाम का है, आवाम के पैसे से अगर अस्पताल बना रहे हैं तो उसके ऊपर नवाज शरीफ का नाम क्यों रखा? तो मैं ये बड़े अदब से पूछना चाहती हूँ कि पैसा तो हर हुकूमत के पास होता है, पैसा तो हर वज़ीर आला के पास था, तो उस वज़ीर आला ने कभी ये तकलीफ़ क्यों नहीं की? हर हुकूमत के पास पैसा है, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। अगर नवाज शरीफ साहब की प्रायोरिटी आवाम की खिदमत है, अगर मेरी प्रायोरिटी आवाम की खिदमत है, शबाज शरीफ की प्रायोरिटी आवाम की खिदमत है, तो फिर वो 3 मरतबा का वज़ीर आज़म है, उसका हक बनता है कि ये उसके नाम पे हो। और फिर उसकी एक और वजह है, उसकी वजह ये है कि जहाँ नवाज शरीफ का नाम होता है लोग आंखें बंद करके उस पर एतमाद करते हैं। उम्मीद है कि अब आपको तसल्ली हो गई होगी कि इसका नाम नवाज शरीफ के नाम पे क्यों रखा। मैंने जितने भी बड़े मंसूबे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किए, आप ये देखो कि अब अभी मेरी हुकूमत को 7 माह से ज़्यादा का कुछ अर्सा गुजरा है, 7 माह हुए। 7 माह में फाइल्स और कागज़ों से मंसूबे नहीं निकलते, लेकिन आज 7 माह के और कैंसर हॉस्पिटल कोई छोटा मंसूबा नहीं है, क्योंकि अपनी तर्ज का ये वाहिद हॉस्पिटल है, अपना वाहिद पाकिस्तान का पहला सरकारी स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। तो 7 माह तो बहुत कलील मुद्दत है, बहुत छोटा अरसा है इतने बड़े हस्पताल का पूरा प्रेपरेशन करने के लिए। लेकिन आज 7 महीने के अंदर अंदर अल्लाह ताला के फजलो करम से ये बाहर देखें, ये टेंट के बाहर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। और शामीर इसके लिए मैं आपको शाबाश देती हूँ। मुझे पता चला है ये आईडैब का जो शामीर है बहुत माशाल्लाह अच्छा हैंड्स ऑन है। इसने अपना ऑफिस भी यहाँ साइट पे शिफ्ट किया, इसको पता है कि ये मेरी प्रायोरिटी है। और इन्होंने मुझे कहा कि 3 साल में ये मंसूबा मुकम्मल होगा, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत बड़ा एक पूरा मंसूबा बनने जा रहा है। तो इसके 2 फेजेस होंगे। इन्होंने कहा कि जो पहला फ़ेज़ है जिसमें हस्पताल जो है वो अपना काम शुरू कर देगा, वो इन्होंने मुझे 2025 का टाइम दिया। और जो सेकेंड फ़ेज़ है उसकी कम्प्लीशन का टाइम 2027 था। मैंने आज इनको कहा है, पहले भी कहा था कि पहला फ़ेज़ मुझे 1 साल यानी 12 महीने के अंदर अंदर फंक्शनल चाहिए। मैंने इनसे कहा कि दुनिया की जो आपको एक्सपर्टीज़ लानी पड़ती है, दुनिया की टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है, आप लाएं, लेकिन मुझे ये पहली बिल्डिंग जो है वो मुझे 1 साल के अंदर अंदर मुझे फंक्शनल करके दें। और शामिल आज मैं आवाम के सामने ये वादा करके जा रही हूँ, अक्टूबर एंड 2025 मुझे पहला फ़ेज़ कंप्लीट चाहिए। और 2 साल में इंशाल्लाह ये हम इसका दूसरा फ़ेज़ भी जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो तकरीबन 54 बिलियन का ये मंसूबा है। रिसर्च सेंटर है, क्योंकि कैंसर रिसर्च जो है वो रिसर्च हर रोज़ उसमें बहुत कैंसर का इलाज है, उसमें जितनी भी एडवांसमेंट हो रही है हम उस सब को इसमें इंकॉर्पोरेट करें और एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाएं। ये जहां हम खड़े हैं ये तकरीबन 335 कनाल इसका रकबा है, 915 बेड्स, जिसको मेरा दिल है कि कम से कम 1000 बेड्स से हम इसको शुरू करें। और इसके अंदर पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर का सबसे पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर भी बनने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। और इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर 110 बेड्स, ये भी एक बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ी खिदमत, क्योंकि अभी कोई पब्लिक सेक्टर का स्पेशलाइज बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सहूलत यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और उसके साथ साथ हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर भी हम बना रहे हैं। वो क्या होता है? जो हॉस्पिस है, जो एडवांस स्टेज के मरीज़ होते हैं उनको अक्सर हॉस्पिटल ये कह के घर भेज देते हैं कि इनका इलाज नहीं हो सकता, इनकी ज़िंदगी अब गिनी चुनी रह गई है, कोई कह देते हैं 3 महीने या 6 महीने, तो उनको मरने के लिए घर पे छोड़ दिया जाता है। मैं ये नहीं कर सकती, तो हमने इसमें हॉस्पिस डाला कि कोई आखिरी स्टेज का भी मरीज़ हो, उसकी पेन मैनेजमेंट होती है। अल्लाह ताला का लिखा हुआ फ़ैसला हम नहीं बदल सकते, लेकिन वो जितनी भी उसकी ज़िंदगी अल्लाह ने लिखी हुई है वो उसकी तकलीफ़ के बगैर गुजरे, उसकी पेन मैनेजमेंट हो। और हम किसी को ये ना कहें कि अपने मरीज़ को उठा के ले जाओ, हमारे पास अब जगह नहीं है। तो उसके लिए हमने अलहदा बिल्डिंग बनाई है, अलहदा एक्सपर्टीज़ है उसकी, वो भी हम कर रहे हैं। और उसके साथ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से पूरे पंजाब से लोग आएंगे, पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स आएंगे, तो हमने पूरे एक हॉस्पिटल के अंदर एक बिल्डिंग बनाई है जो उनके ठहरने की जगह है, जहाँ पे लोगों को बाहर फुटपाथ पे ना सोना पड़े, फैमिलीज़ को या लवाहिकीन को या जो आए होते हैं साथ। बल्कि मेरी कोशिश है कि ऑपोजिट जो है साइड, उसमें हम 2-3 कोई होटल्स ऐसे बना दें ताकि जो पेशेंट्स यहाँ पर आएँ वो उनको ठहरने की, यहाँ रुकने की, बोर्डिंग एंड लॉजिंग की सहूलत पूरी मिले। और यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव जो कैंसर केयर बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर रेडिएशन थेरेपी है, केमोथेरेपी है, एंडोस्कोपी है, स्पेशलाइज्ड ऑनकोलॉजी ट्रीटमेंट्स हैं, स्टेरियोटैक्टिक रेडिएशन थेरेपी है, 10 रेडिएशन बंकर्स बना रहे हैं स्टाफ की सेफ्टी के लिए, हॉस्पिटल और जो पेशेंट्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए। एडवांस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें पेट स्कैन है और इस तरह के स्कैन्स हैं जो अर्ली तशखीस कर सकते हैं मर्ज़ की। उसके साथ साथ जो 22 ऑपरेशन थिएटर्स बनाने लगे हैं, पीड्स ऑनकोलॉजी जो बच्चों की, खुदा न खास्ता बच्चों को कैंसर हो तो उसकी एक अलग एक स्पेशलाइज्ड वो फील्ड है, वो भी इस हॉस्पिटल का हिस्सा है। पीड्स ऑनकोलॉजी बच्चों के लिए जो कैंसर की ट्रीटमेंट है, 40 OPD क्लिनिक्स हम बनाने लगे हैं इसके अंदर इंशाल्लाह ताला। आइसोलेशन रूम्स हम बना रहे हैं। आपको पता है कि जब रेडियोलॉजी होती है, कीमोथेरेपी होती है, तो फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आइसोलेशन में रखना होता है पेशेंट्स को, वो भी हम बना रहे हैं साथ। कैंसर रिसर्च का सेंटर हम बना रहे हैं। और मेरा बहुत दिल है कि जो जो एक्सपर्टीज़, जो जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हमारे पास पूरे पाकिस्तान में नहीं है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला पंजाब में बनाएंगे। जैसे हमें ब्लड डिजीज़ के लिए हॉस्पिटल चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, हमें बच्चों की जो बीमारियां हैं जिन जो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं उसके लिए हमें एक और चिल्ड्रन हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट चाहिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल हमें चाहिए। इसी तरह हमें एक अलग बोन मैरो के जो डिजीज़ हैं, ट्रांसप्लांट है, उसके लिए मुझे एक सेपरेट हॉस्पिटल चाहिए। तो आप देखोगे कि अगले 4 साल में इंशाल्लाह ताला, 4.5 साल में हम ये तमाम काम करके जाएंगे। और जो इसके साथ साथ ये जो अभी इन्होंने ज़िक्र किया, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर, पूरे सरगोदा डिवीज़न में कोई पब्लिक सेक्टर दिल का हस्पताल नहीं था। हमने सरगोदा सिटी में उस हस्पताल को शुरू किया और अल्लाह ताला के फजल से अब वो नियर कंप्लीशन है, दिन रात उस पर काम जारी है, तो वो पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। इसके साथ साथ मेरा यही विज़न है अगले 5 साल के लिए कि हर शहर में जो बीमारियां हैं, जैसे कार्डियोलॉजी है, जैसे ये जो दिल के अमराज हैं, जो न्यूरोलॉजी है, ये इसकी जो जैसे अब डायलिसिस बहुत ज़्यादा हो गया है, किडनी डिजीज़ जो हैं, रीनल डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो मेरा ये दिल है कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो मैं हर शहर के अंदर डायलिसिस सेंटर हम बनाएं, थैलेसीमिया के इलाज के लिए हम स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स बनाएं, कार्डियक सर्जरी के लिए हम बहुत सारे शहरों में शुरू कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया साहिवाल में तो पूरा यूनिट बन चुका है, अब उसमें भी कार्डियोलॉजी की सर्विसेज शुरू हो रही हैं, कार्डियक सर्जरी की जो सहूलत है वो शुरू हो रही है, कैथ लैब लग रही है वहाँ पर। तो मेरी ये 5 साल के बाद मेरा ये ख्वाब है कि 5 साल के बाद मैं इंशाअल्लाह ताला ऐसा पंजाब छोड़ के जाऊँ जिसमें हर शहर में हर सहूलत जो है वो हर बीमारी का इलाज मौजूद हो। और अभी फॉर द टाइम बीइंग हमने पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है ताकि लोग इस वजह से जान से हाथ ना धो बैठें कि उनको टाइमली किसी ऐसी फैसिलिटी में शिफ्ट नहीं किया गया जहाँ पर अगर वो शिफ्ट कर गए होते टाइम पे तो उनकी जान ना जाती। तो अब मैं बहुत सारे पेशेंट्स, एक 4-5 दिन का बच्चा जो कार्डियक पेशेंट था उसको एयर एम्बुलेंस ने जब शिफ्ट किया लाहौर PIC, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने वो कपड़े में लपेटा हुआ छोटा सा बच्चा था। आप सोचें कि वो कहीं साउथ ऑफ पंजाब से था, उसको यहाँ लाना माँ बाप के लिए, गरीब माँ बाप के लिए कितना मुश्किल था, वो एयर एम्बुलेंस में यहाँ पर आया माशाल्लाह। तो बहुत सारे काम हैं जो अभी मुझे करने हैं, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के फजल से हम बहुत कामयाबी से शुरू कर चुके हैं, जिसके अंदर क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं। तकरीबन अब हमें वो डबल करने पड़े, 500 से ज़ायद क्लिनिक्स ऑन व्हील्स आपके डोर स्टेप पे जाके आपका इलाज कर रहे हैं। और जो लोग उससे फैज़ याब हो गए हैं, जिनका इलाज हुआ है, उनकी तादाद लाखों में नहीं, उनकी मिलियंस में तादाद है माशाल्लाह। हर रोज़ रात को सोने से पहले मैं फिगर्स देखती हूँ कि आज क्लिनिक्स ऑन व्हील्स ने महलों में जाकर, गलियों में जाकर कितने लोगों का इलाज किया है। तो यकीन करें रोज़ की जो फिगर है वो 35,000 से 40,000 के दरमियान है। वहाँ पर अगर आपने अपनी शुगर टेस्ट करनी है, ब्लड प्रेशर टेस्ट करना है, आपको उसके उस क्लिनिक ऑन व्हील के अंदर फार्मेसी भी मौजूद है। और कुछ हमारी ऐसी क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं जिसके अंदर जो है वो सहूलत मौजूद है, इमेजिंग की भी, अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है उसके अंदर। और इसी तरह फील्ड हॉस्पिटल्स जो गाँव में, रूरल एरियाज़ में जाके पाक हो जाते हैं, अब उस विसिनिटी के लोगों को हस्पताल नहीं जाना पड़ता, उनकी दहलीज़ पे उनके गांव के किसी एक पॉइंट के ऊपर उनका इलाज हो जाता है, एक्सरेज हो जाते हैं, ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, गायनी का उसके अंदर इलाज हो जाता है, जो गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला के फजलो करम से ये बहुत बड़े मंसूबे हैं, लोगों की दहलीज़ पे जाके उनका इलाज करना, तो ताकि उनको चल के अस्पताल भी ना जाना पड़े। तो ये बड़ी कामयाबी से मंसूबे चल रहे हैं। और इसी तरह हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं, दिल के जो मरीज़ हैं, कैंसर के जो मरीज़ हैं, उनकी दवाइयाँ, उनको बहुत बड़ी तादाद में पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी दवाइयाँ उनको घरों पर हम डिलीवर कर रहे हैं। उनके घर की दहलीज़ पर दरवाज़ा खटका के उनको 60 दिन की दवाई जो है वो फ्री डब्बा उनके हाथ में दिया जाता है ताकि उनको अस्पताल में जाके लाइनों में ना लगना पड़े। और इसी तरह जो BHUs हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, अब आप देखेंगे विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स इंशाल्लाह ताला पंजाब के 2400 के करीब पूरे पंजाब के अंदर ये बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं। हम उनको इतना जो बेहतर बना रहे हैं कि आपको ऐसे लगेगा कि हम किसी बहुत अच्छे प्राइवेट क्लिनिक में दाखिल हो रहे हैं, हम उनके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, उसमें सर्विसेज को बेहतर कर रहे हैं। और इसी तरह जो आपके रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी अपग्रेडेशन का भी काम जो है वो जारी है। जब मैं हुकूमत में आई तो पिछली हुकूमत की नाअहली और क्रिमिनल नेगलिजेंस की वजह से जो फ्री अद्वियात अस्पतालों में मिली हैं वो शबाज शरीफ साहब के दौर में 80-90% थी। इनकी नाअहली और नालायकी से वो 30% पे चली गई, बल्कि लोगों को फ्री दवाई मिलना बंद हो गई। अब अल्लाह के फजलो करम से मैं उसको 90% से ऊपर लेकर जा रही हूँ। जो सरकारी अस्पताल में जाता है उसको पैसे नहीं देने पड़ते दवाई के, उसको टेस्ट के पैसे नहीं देने पड़ते। हाँ, बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे कोई करप्ट प्रैक्टिसेस चलती हैं, उसके ऊपर भी हम बहुत सख्ती से निज़ाम लेके आ रहे हैं कि जो ये करे पकड़ा जाए। जब आप किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आपको ना कोई फ़ीस देनी पड़े, ना आपको कोई महंगाई कोई आपको दवाई का पैसा देना पड़े, ना आपको टेस्ट का पैसा देना पड़े। और मैं बहुत और ऐसा हो गया है माशाल्लाह, मैं जिस अस्पताल में जाती हूँ मैं पूछती हूँ लोगों से कि आपको कोई पैसा तो नहीं देना पड़ा। मुझे आज तक किसी पेशेंट ने नहीं कहा नहीं कि मुझे पैसे देने पड़े। एक दो ने ये शिकायत की है कि हमें टेस्ट के लिए बाहर जाना पड़ा है, लेकिन कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि हमें दवाई मिल रही है। हस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में बेहतरी की बहुत गुंजाइश है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम उसको बहुत जल्दी उसको भी पूरा कर लेंगे। और स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स हैं, जो जिनकी स्पेशलाइजेशन है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, जैसे कार्डियक सर्जन्स हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, न्यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, उनकी पीड्स के स्पेशलिस्ट हैं, उनकी अभी कमी है हमारे पास, क्योंकि हमारे बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हमारे डॉक्टर्स बाहर भी चले जाते हैं। लेकिन मैंने अपने दोनों हेल्थ मिनिस्टर्स की ये जिम्मेदारी लगाई है, अजमत को मैंने ये जिम्मेदारी दी है कि आपने अभी शॉर्ट टर्म में आपने अपने जो ट्रेन करने अपने डॉक्टर्स, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम बहुत जल्दी वो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनको अच्छी तनख्वाहें दें, रहने के लिए घर दें, गाड़ी दें, ताकि वो अपने मुल्क वापस आएँ और आवाम का इलाज करें। तो आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे ये प्रोग्राम भी हम लेके आ रहे हैं। भाई अगर बाहर का मुल्क उनको या कोई दुनिया का और मुल्क उनको उनकी मेहनत का अच्छा सिला दे रहा है, तो हम क्यों नहीं दे सकते? हम उनको वो सिला भी दें और हम उसके साथ हमारे लोगों को भी वो इलाज और मुआवजे की सहूलत मिले जो बाहर लोगों को मिलती है। हमारे हॉस्पिटल्स में हमारे अपने डॉक्टर्स जो हैं वो बजाय इसके कि बाहर सर्व करें, वो यहाँ सर्व करें। उसके लिए मुझे जो सहूलतें भी उनको देनी पड़ी हम देंगे। और कैंसर हॉस्पिटल हो, उसमें हम रिहाइश गाहें बना रहे हैं, रेजिडेंसेस बना रहे हैं डॉक्टर्स के, ताकि डॉक्टर्स पूरी तवज्जो अपने काम पर मरकूज़ रख सके, उनको बाहर रुलना ना पड़े। उनको फ्री घर भी देंगे इंशाअल्लाह ताला, उनकी तनख्वाहों में इजाफा भी करेंगे, लेकिन उनको यहाँ पर आवाम की खिदमत के लिए हम इंशाअल्लाह ताला कन्विंस करके लेके आएंगे। मेरा फ़र्ज़ है कि बीमारी से लड़ने वाले हर शख्स का मैं भरपूर साथ दूँ, उन्हें इलाज की बेहतरीन सहूलियात मुयसर हों। अब एक हमने चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें चारों सूबों से लोग आ रहे हैं, उनकी भी कार्डियक सर्जरीज हो रही हैं बच्चों की। तो 15,000 का हमारे पास लॉग था, लोगों की वेटिंग लिस्ट थी। अब हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी शामिल किया है, वो मेरे ख्याल है 500-600 सर्जरीज हो भी गई हैं, कामयाब सर्जरीज, जो 3-3 साल से बच्चे वेट कर रहे थे, सीरियस प्रॉब्लम्स थी उनको। तो मेरी पूरी कोशिश है कि हम शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में जो मैं आपके लिए सेहत की सहूलत जो है वो मुयसर कर सकूं, मैं उसमें इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल कोई लैक्सिटी नहीं दिखाऊंगी। और मुझे बहुत लोग ये पूछते हैं कि मेरा प्रायोरिटी एरिया क्या है, तो मैं स्पेशली जो हमारे दूसरे मुल्कों के एम्बेसडर्स हैं वो आके ज़रूर पूछते हैं कि आपका प्रायोरिटी एरिया क्या है। मैं उनको ये कहती हूँ कि जो मेरा प्रायोरिटी, जो चीज़ आवाम की ज़िंदगियों पे कोई इम्पैक्ट करती है, असर डालती है, वो मेरा प्रायोरिटी एरिया है। लेकिन हेल्थ इसलिए मेरा प्रायोरिटी एरिया है कि बाकी चीज़ें इंतज़ार हो सकता है, बाकी चीज़ों में कमी बेशी हो सकती है, लेकिन खुदा न खास्ता सेहत की सहूलत में अगर कमी बेशी हुई तो लोगों की जाने जा सकती। तो इसलिए ये मेरे मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज़ गवाह बैठे हैं, मेरी CM हाउस की टीम गवाह बैठी है कि जब हेल्थ की बात आती है आई एम वेरी अनस्पेयरिंग। और जितनी हेल्थ की मीटिंग्स और एजुकेशन की मीटिंग्स मैं करती हूँ, शायद मैं कमी किसी और चीज़ की मीटिंग करती हूँ। और दिल से होता है, मेरा दिल है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी हो और मैं घुमा दूँ और ओवरनाइट सब कुछ हो जाए, लेकिन ओवरनाइट कोई चेंज नहीं आता। हाँ, लेकिन हर आने वाले दिन के साथ अगर बेहतरी आ रही है, इसका मतलब है कि हमारी डायरेक्शन ठीक है इंशाल्लाह ताला। तेज़ी से काम हो रहा है और आपको काम होता हुआ नज़र आ भी रहा है और भी ज़्यादा आएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से फिर दुआ है कि अल्लाह तौफीक दे हमें कि हम दिन रात पंजाब के अवाम की मैं खिदमत कर सकूँ, उनके लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात जो हैं वो उनको मुहैया कर सकूँ। अल्लाह ताला सबको सेहत और सलामती से रखे ताकि अस्पताल आने की ज़रूरत ही ना पड़े, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन आप यकीन रखें कि मेरे दिन और रात का हर लम्हा आपकी सोच में, आपकी फ़िक्र में और आपके दर्द में गुजरता है। अल्लाह ताला गवाह है इस चीज़ का। अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे कि मैं आपके काम आ सकूं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।